जी मीडिया की खबर का वड्डा असर देखने को मिलिया है। नौजवानों अमरीका भेजन के नाते इंडोनेशिया भेजन के मामले में मोहाली पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए मुलजमान एक महिला भी शामिल है। तो इस गिरोह वालों नौजवानों धोखे के नाल इंडोनेशिया भेजा जाता है। नौजवानों वापस भेजन के लिए परिवार वालों तो फिरौती मंगी जाती थी। वड्डी खबर का असर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की सो दस दिए कि नौजवानों अमरीका भेजन के ना इंडोनेशिया भेजन का जोड़ा मामला तो मोहाली पुलिस ने इस पूरे मामले के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए मुलजमान एक महिला भी शामिल है। सो जी मीडिया की खबर का वड्डा असर इस गिरोह वालों नौजवानों धोखे के नाल इंडोनेशिया भेजा जाता है। तो फोन लाइन से साडे सहयोगी मनोज जोशी साडे नाल जुड़े ने। मनोज की जानकारी है जो नौजवानों अमरीका भेजन के नाते इंडोनेशिया भेजन का मामला जिस दे विच हुण जी मीडिया की खबर का असर होया क्योंकि प्रमुखता दे नाल नशर की गई तो 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी गुरप्रीत, ये जो मसला हैगा है कि इतों लोगों जो युवक से कहना तुम अभी अमरीका लेके जावे, पहले इंडोनेशिया जाते थे, इंडोनेशिया उतार के फिर अगे कहते कि असं अगे लेके जावे। जब युवक इंडोनेशिया पहुंच जाते थे तो उठे जाके उन्होंने कमरे च बंद कर देते थे। फिर ये कहते कि तुम अपने घर वाले को जो पैसे की गल हुई है पूरे जिंदा किसी को 40 लाख किसी को 30 लाख किसी को 50 लाख वो पैसे मंगवाते थे। तो पैसे पवाते थे इतनी खात्या जोड़े पंजाब खाते थे। तो पैसे पाने बाद जे नहीं दिता से उन्होंने कटाई होंगी थी। तो गन पॉइंट के उपर उन्होंने घर तक फोन करने कहते हैं बहुत ही इतने पहुंच गए हैं, असं इंडोनेशिया पहुंच गए, असं दुबई पहुंच गए हैं, असं अगे जा रहे हैं, असं अगे जा रहे हैं, इदा कहा के उन्होंने तो पैसे दस के घर तक विश्वास दवा के उन्होंने फिर पैसे पाते थे। असं हम अमरीका पहुंच गए, जो कहते यूएसए पहुंच गए तो पैसे पा देंगे थे। उस बाद उन्होंने युवकों वापस इंडोनेशिया तो ही इंडिया भेज दिता जाता है, इदा का फ्रॉड चल रहा है। यदि शिकायत हुई थी तो DIG अपने रोपड़ रेंज ने गुरप्रीत सिंह भुल्लरों शिकायत की। उन्होंने बाद इतने कार्रवाई हुई तो बिलौंगी पुलिस स्टेशन ने एक केस दर्ज किया। जी इनकुआरी थी वो DSP ने इन्वेस्टिगेशन गुरशेर सिंह संधू तो CI स्टाफ ना मिलकर वो कर रहे थे। तो ये हूँ 8 लोगों जो पंजाब बैठे थे उन्होंने गिरफ्तार किया गया। एक लेडी भी दसी जा रही है। तो हूँ तकरीबन तकरीबन 2:30 बजे जे है SSP मोहाली संदीप गर्ग वो इन लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ा इंटरनेशनल गैंग है जिहड़ा कि इतों बाहर जाके कितना इतने बह के इमीग्रेशन नाम से ठगी होंगी सी उन्हें बाहर ले जाके किनू सिखा कि वो साढ़े को कार्रवाई नहीं होएगी। पर एक गलती करके कि जो पैसे से इतने के अकाउंट पाते थे उसमें लेके जी है यह सारी कार्रवाई की है कि इंटरनेशनल गैंग जो है मनोज जिथे ऑनलाइन ठगी के मामले भी दिन प्रतिदिन वाते हुए नजर आ रहे हैं तो उत्थे ही इसी हिसाब के नाल बाहर भेजण के लालच दे के फिरौतियां भी हुण मंगियां जा रहे हैं। कि लगता है किन्ना कु वड्डा यह गैंग है, किन्ने कु वड्डे नैक्सस ने जो कि देश दे विच ही नहीं सगो विदेशों दे विच भी फैले हुए ने। जी सर, जो ठगी करने वाले ग्रोह ने जो लड़के वापस उन्होंने छुट के आए थे उन्होंने दसा था कि यह सू कहते सा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, साड़ी बहुत उची पहुंच है, तुम स्थानीय सरकार भी साढ़े चल रही ने। तो उन्होंने दसना था कि मतलब कि हजारों लोग ने जे हर साल इन्हों ठगी का शिकार बनाते थे। तो उन्होंने लेके ही जी सारे सारी कार्रवाई जोड़ी पुलिस थी बड़ी उन्होंने जी मोहाली पुलिस ने बड़ी संजीदगी का काम किया और बड़े थर्मे काम किया कि एक बंदा पकड़ा जा सके कितने अकाउंट पैसे गए हैं वो पैसे कौन लेना पैसे का। पूरी पुलिस ने पूरी फील्डिंग लगाई पूरा जाल बछाया ताकि कोई बंदा ना बच सके। हम 8 बंदे ने जी पूरी कहानी हैगी SSP दसणगे भी ये किस तरह है सारे ये पकड़े गए हैं तो किस तरह अभी उतों पकड़ के इतने लेके आए हैं। जी गुरप्रीत, ठीक है मनोज, फिलहाल की जानकारी लिए थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। सो दस दिए कि बाहर भेजण के लालच दे के कितने होर भेजना लेकिन अपनी साजिश के तहत किसी होर देश के भेज देना तो उस तो बाद फिरौती मंगनी जिसके तहत पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इस एक महिला भी शामिल दसी जा रही है। दस दिए कि श्रोमणी अकाली दल ने गुरमीत राम रहीम की पैरोल से कई तरह के वड्डे सवाल खड़े किए हैं। बलात्कार के दोषी वार वार पैरोल दी जा रही है। श्रोमणी अकाली दल ने कहा तो राम रहीम नूं दित्ती पैरोल पिछे गहरी साजिश करार दिता गया श्रोमणी अकाली दल द्वारा। 2022 दीआं चोणां तों ठीक पहला भी महीने की जिहड़ी है वह पैरोल दित्ती गई सी। काफ़ी जिक्र किया श्रोमणी अकाली दल ने तो संगरूर चोणां तों पहला भी जिहड़ा है बाई इलैक्शन हुई उस तों पहला भी गुरमीत राम रहीम नूं पैरोल मिली। तो हुण जलंधर जिमनी चोणां तों पहला भी पैरोल की जिहड़ी दित्ती गई है उसके पिछे साजिश है। यह कितना ना कितने खदशा प्रगटाया गया श्रोमणी अकाली दल द्वारा। सो दस दिए कि जलंधर तो सांसद संतोख सिंह चौधरी जिन्हों की कि पिछले दिन कह सकते कि अचानक उन्होंने देहांत हो गया हूँ सीट पर दोबारा तो जी जिमनी चोन होनी है उसनों लैके खदशा प्रगटाया श्रोमणी अकाली दल ने। साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि 2022 दी चोणों तो पहला भी पैरोल मिली तो उस तो बाद संगरूर की बाई इलैक्शन हुई
तो उस तो पहला भी जी पैरोल मिली तो हूँ जलंधर जिमनी चोन तो पहला भी पैरोल नू लैके कितना कितने साजिश करार दिता है। श्रोमणी अकाली दल ने कई तरह के वड्डे सवाल खड़े किए हैं। ढींसा साहब नू मेरा सवाल है, ढींसा साहब चुप क्यों है इस मसले ते? उन्हां दी पार्टी का कोई बयान नहीं आया इस इशू ते। वो भी कहिंदे आ कि असी बड़े पंथक हैं जी, असी तां छड्डता अकाली दल कि सिख मसलियां च इहदी साडी सुनवाई नहीं हो रही सी। जिन्ना चिर सरकार रही उन्ना चिर सब ठीक सी। इन्हां नू सिख मसलियां दी दा चेता उदों आया जदों सरकार नू गई नू 7 साल हो गए सी। सरकार च बैठिया एज फाइनेंस मिनिस्टर, एज राज्यसभा MP, एज कैंडीडेट ऑफ लोक सभा, एज कैंडीडेट ऑफ विधानसभा, उन्ना चिर सब कुछ ठीक सी। अज ये कहिंदे आ सानू सिख मुद्दियां दी चिंता है, तो फिर बोलन राम रहीम ते क्यों नहीं बोलते इस मसले ते? क्यों नहीं बोलते कि बंदी सिंह साडे भरा अंदर बैठे है जिन्होंने कौम की लड़ाई लड़ी, तो राम रहीम नू वारी वारी परोल दित्ती जांदी है, इस मुद्दे ते क्यों नहीं बोलते? जून च संगरूर की बाई इलैक्शन आउंदी है, शायद 23 जून के 30 जून की इलैक्शन सी। जून के शुरू च 30 दिन की परोल भाजपा की सरकार फिर राम रहीम नू दिंदी है, तो संगरूर दे विच उहदी मदद लीती जांदी है। अक्तूबर दे विच आदमपुर की बाई इलैक्शन ते हिमाचल की इलैक्शन आ जाती है, तो 14 अक्तूबर नू 40 दिन की जिहड़ी पैरोल है वह फिर भाजपा की सरकार दिंदी है। तो हुण जलंधर की बाई इलैक्शन आ रही है, सब नू पता है बड़ी क्रूशल बाई इलैक्शन है, तो भाजपा का भी जोर पूरा लग्या, तो हुण फिर 40 दिन की पैरोल 21 जनवरी नू उहनू दे दित्ती जाती है। ये पैटर्न है, ये अन्ना भी देख सकता है इस पैटर्न।